फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद असद। आज मैं लाई हूँ चिकन के शामी कबाब की रेसिपी। ये बहुत अच्छे तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको और बहुत इजी। ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, साफ बोटी धो के फ्रेश करके रख लिया है। ये हमने 250 ग्राम चने की दाल ली है, इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसे मैं दाल को चिकन के साथ बॉईल करूंगी। ये कुछ कबाबों का सामान लिया है मैंने। ये 1 गांठ प्याज की, ये 4-5 टुकड़े अदरक के लिए हैं मैंने, इन्हें काट लिया है। ये मैंने 6 मिर्चें ली हैं, इन्हें भी टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच पिसा धनिया लिया है, 10-12 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 चम्मच मैंने पिसा नमक लिया है। ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, इसमें मैंने 20 काली मिर्चें ली हैं, 4 मैंने लौंगें ली हैं, 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़ा सा मैंने जायफल लिया है, 4 सफ़ेद इलायचियाँ ली हैं, 2 जावित्री के टुकड़े लिए हैं, 2 काली इलायची ली है। इन्हें हम पीस के पाउडर बना लेंगे और जब कबाब हम वो का मसाला पिस जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे। ये हमने कुछ गरम मसाले और लिए हैं, ये हम दाल के साथ ऐड करेंगे। ये मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 काली इलायची, 2 सफ़ेद इलायची और 2 जावित्री के टुकड़े, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है। ये मैंने 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, इन्हें हम दाल और चिकन के साथ बॉईल करते में डाल देंगे। इसमें ऐड कर देंगे दाल। चिकन जो मैंने पहले मसाले बताए थे, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। कटी लाल मिर्च, अदरक के टुकड़े, कटी प्याज, लहसुन और ये धनिया, ज़ीरा और नमक। इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा प्याला पानी। इसे अच्छे से मिला के और इसमें हम लगा लेंगे 4-5 सीटी। फिर हमारी यखनी तैयार हो जाएगी, तो इसे हम पीस लेंगे। मैंने 1 गांठ ली ये प्याज की, इसे बारीक बारीक काट के रख लें। ये मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है सूखा हुआ। ये हमने 4 हरी मिर्चें लेंगे और इसमें अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट लिया है। ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी मैंने फ्रेश करके काट के रख लिया है। ये सारी चीज़ें मैं कीमा पीस के उसमें ऐड करूँगी। अब हम पीस लेते हैं खड़े मसाले। ये मैंने काली इलायची के दाने निकाल लिए हैं। छील के ही इन्हें पीस, इस सफ़ेद इलायची, जायफल, दालचीनी, ये सारी चीज़ें हम इसमें कूट लेंगे। देखिए, हमने ये कूटे हुए गरम मसाले पीस के पाउडर बना लिया है। ये मैं कीमे में ऐड करूँगी जब कबाब बनाऊँगी। ये हमने देखिए उबाल लिया है कीमा और ये उबल के ऐसा हो गया है। इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे, ठंडा करके ही मिक्सी में पीसें। ये मैंने ठंडा करके लाई हूँ। तेज़पत्ता निकाल देंगे। देखिए, ये हमने पीसने के लिए कर लिया है इसके अंदर। अब हम इसे पीस लेंगे सारा कीमा ऐसी। देखिए, हमने ये पीस लिया है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, ऐसे ही पीसेंगे तो हमारे कबाब अच्छे आएंगे। इसमें आप 2 अंडे भी मिला सकते हैं, मैं अंडा नहीं मिलाती हूँ। ऐड कर लेंगे कटी प्याज, कटी हरी मिर्च और अदरक, हरा धनिया कटा हुआ, गरम मसाला कुटा हुआ जो हमने दिखाए थे आपको, पुदीना, और इसे अच्छे से हाथ से ही मिलाना है।
सब मिक्स कर लें। बस अब हम इसे अच्छे से बना लेंगे। जितने बड़े बनाना चाहें आप बड़े बना सकते हैं, छोटे बनाना चाहें छोटे बना सकते हैं। जितने बारीक होंगे उतने ही अच्छे बनेंगे हमारे कबाब। देखिए हमने ये सब कबाब बना लिए हैं, अब इन्हें हम तल लेंगे। तल दिया है, अब हम इसमें कबाब लगा देंगे। हमने कितने अच्छे तरह से बनाए हैं कबाब और बहुत अच्छे बने हैं। इन्हें आप मेरी रेसिपी से बना के देखिए। आप बिरयानी से खा सकते हैं, पराठों से खा सकते हैं, पूरियों से खा सकते हैं। ये चिकन के शामी कबाब हैं, इन्हें आप एक बार बना के देखिए मेरी रेसिपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।